उत्तर प्रदेश में सीए के दौरान जो नुकसान हुआ, योगी सरकार ने नोटिस भेजे थे कि उसकी भरपाई करी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार यूपी सरकार को फटकार लगाई है और इस तरीके के नोटिस को वापस लेने का फरमान जारी किया है। सद्दाफ जफर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि खुद भी जेल गई सीए के आंदोलन के दौरान और कांग्रेस के नेता हैं, लखनऊ मध्य से चुनाव भी लड़ रही हैं। कुछ राहत मिली सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद? देखिए, ऐसा है कि मैं अपनी राहत की क्या बात करूं, मैं कम से कम अपनी बात कहने के लिए ज़िंदा हूं। बहुत सारे आंदोलनकारी ऐसे थे जिनको सीने पे जिनको गोली मारी गई। योगी आदित्यनाथ जी बहुत जल्दी पदमुक्त होने जा रहे हैं। अब समय आ गया है उनको सोचने का कि किस तरह के अमानवीय कृत्यों को उन्होंने अंजाम दिया है, किस तरह से असंवैधानिक तरीकों से उन्होंने लोगों को उत्पीड़ित किया है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि यूपी सरकार एक बार फिर से जो अध्यादेश उन्होंने बनाया था 2020 के नाम से, उसके तहत वो दोबारा से ये सब नोटिस भेज सकती है। देखिए, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फार्म लॉज दोबारा आ सकते हैं, तो इसलिए कई लोगों पे ना जाते हुए मुझे उम्मीद है कि आप एक जिम्मेदार मीडिया हाउस हैं, आप कई लोगों की बातें ना सुनते हुए जो होगा उसके ऊपर पुख्ता तौर पर बात करें। भाजपा को नुकसान होगा इस फटकार के बाद इन चुनावों में? ये तो मैं नहीं जानती कि उनका नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, लेकिन सत्यमेव जयते कहा जाता है, सत्य की जीत हुई है। इस वक्त हम इस बात की खुशी मनाएं कि सत्य स्थापित हुआ है, हमारी न्याय प्रणाली ने सत्य को स्थापित किया है, और मुझे नाज है कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ पे न्याय प्रणाली और न्यायपालिका आज भी मुक्त है और अपने हिसाब से अपनी बेहतर तरीके से काम करती है और न्याय को स्थापित करने का काम कर रही है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये भी नारा स्थापित होता दिखाई दे रहा है कहीं पर उत्तर प्रदेश में? मैं तो 2 साल से लड़ रही हूँ अपनी दीदी के साथ, प्रियंका जी जिस तरीके से लड़ रही हैं, मैं उनकी छोटी सी सिपाही हूँ, और मेरी दीदी की लड़ाई को, संविधान की लड़ाई को मैं ज़मीन पे लड़ती रहूँगी, कांग्रेस की विचारधारा को घर तक पहुँचाती रहूँगी। तो हाँ, वाकई लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और लड़ रही हूँ। तो सद्दाफ जफर जी हमारे साथ मौजूद थी, जो लखनऊ मध्य से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर से जनता, देश के जो लोग हैं, उनको भरोसा कायम रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। सनाइस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।